चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको मिले नए पेड़ पौधों की वीडियो सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, आज फिर से आपके लिए लेकर आए हैं एक और नया जंगली झाड़ीदार वाला पौधा। दोस्तों, आप जो यह पौधा देख रहे हैं, इस पौधे को रतन ज्योति के नाम से जाना जाता है और दोस्तों इस पौधे को अंग्रेजी में बेलिच बूस कहते हैं। दोस्तों, इस पौधे का वानस्पतिक नाम जट्रोफा गॉसिपी फोलिया है, जो कि दोस्तों यूफोरबियासी या अरंडी परिवार का पौधा है। दोस्तों, इस पौधे को अलग अलग जगहों पर और अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे हिंदी में रतनज्योति, दंती, मणिपुर में ईहिदक, तमिल में सिरिया अमानक्कू, मलयालम में चुवन्ना कदलाव नक्कू, कन्नड़ में चिक्का कड़ा हरालू, बंगाली में लाल भेरेंडा आदि नाम से इस पौधे को जाना जाता है। दोस्तों, इस पौधे का तना सख्त और कुछ इस तरह का होता है और दोस्तों इस पौधे के पत्ते 3 लोब वाले होते हैं, जो कि युवा होने पर बैंगनी और चिपचिपे होते हैं। दोस्तों, इस पौधे के फूल छोटे और लाल रंग के होते हैं, जो कि पीले केंद्रों वाले होते हैं और दोस्तों यह फूल एक साथ गुच्छों में लगे हुए दिखाई देते हैं। दोस्तों, इस पौधे का फल शिमला मिर्च के आकार का बहुत छोटा फल होता है, जिसमें कुछ इस तरह के बीज निकलते हैं। दोस्तों, यह पौधा 2.5 मीटर से 4.5 मीटर तक लंबा बढ़ता है और दोस्तों इस पौधे के तना, पत्तियां, फूल, फल, जड़ और बीज आदि को अनेकों प्रकार के रोगों को ठीक करने के लिए आयुर्वेद में उपयोग किया जाता है। दोस्तों, यह पौधा एक झाड़ीदार और खरपतवार रूपी पौधा है, जो कि 2.5 मीटर से 4.5 मीटर तक लंबा बढ़ता है और दोस्तों यह पौधा दुनिया भर के देशों के उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में खेतों, जंगलों, नहर नालों और सड़कों के किनारों पर उगा हुआ दिखाई देता है। दोस्तों, बताया जाता है कि इस पौधे को जहरीले पौधों की श्रेणी में रखा गया है। दोस्तों, आप भी इस पौधे के बारे में और भी कुछ जानते हैं तो हमें कमेंट करके बताना ना भूलें और पेड़ पौधों से संबंधित नई नई जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।